पिशावर में शहीद दो अहलकारों की मिसाली दोस्ती, स्कूल से लेकर शहादत तक एक साथ रहे। पिशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाके में शहीद होने वाले दो अहलकार ऐसे भी थे जिन्होंने स्कूल की दोस्ती से लेकर शहादत के वक्त तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शहीद इफ्तिखार और शहीद इब्ने अमीन जमात अव्वल से दोस्त बने। तालीम मुकम्मल करके इब्ने अमीन पुलिस और इफ्तिखार महकमा वापडा में भर्ती हुआ, लेकिन दोस्त की जुदाई बर्दाश्त न करते हुए इफ्तिखार वापडा की मुलाजमत छोड़कर पुलिस में भर्ती हो गया और शहीद होने तक एक साथ ही रहे। रिश्तेदारों के मुताबिक दोनों शहदा अपने खानदानों के लिए बायस इज्जत इफ्तिखार हैं। दोनों शहदा की नमाज जनाजा 4 सदा में इनके आबाई इलाके अमीराबाद में अदा की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में अजीर अकारब ने शिरकत की। इस मौका पर फिजा सोगवार और दोस्त अहबाब गमजदा थे। इब्न अमीन और इफ्तिखार के अजीज अकारब और रिश्तेदारों ने इस अजम का इजहार किया है कि वो दहशतगर्दों से किसी सूरत मरऊब नहीं होंगे। उनके बच्चे भी इन शहदा के नक्शे कदम पर चलकर मुल्क व कौम की हिफाजत करेंगे। इससे कबल शहीद अहलकार इफ्तिखार का एक भाई भी शहीद होकर मुल्क व कौम पर कुर्बान हो चुका है। वाज़ेह रहे कि पेशावर पुलिस लाइन धमाके में शहदा की तादाद 100 हो गई है। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर ने तस्दीक की है कि अस्पताल में अब तक 100 लाशें लाई जा चुकी हैं। तर्जुमान का कहना है कि बम धमाके के 53 जख्मी जेरे इलाज हैं, जिनमें से 7 अफराद ICU में हैं। तमाम जख्मियों को तिबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं।